शहर में पड़त पड़ी शराब की दुकानों को उठाने के लिए आबकारी विभाग ने नया हथकंडा अपनाया है। विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान में शराब की दुकानें संचालित कर रहे ठेकेदारों पर शहर की पड़त पड़ी दुकानों को अपने नाम उठाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। शराब की दुकानों पर पहुंचे अधिकारी शराब ठेकेदारों पर पड़त पड़ी दुकानों को नहीं उठाने की सूरत में उनके खिलाफ कार्यवाही करने तथा सेल्समैन के खिलाफ आबकारी अधिनियम में कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही दुकानों को सीज करने की भी धमकियां दे रहे हैं। शुक्रवार शाम को शहर में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अजमेरी गेट तथा अजमेर रोड स्थित शराब की दुकानों के ठेकेदारों को इस हेतु धमकाते हुए पड़त दुकानों को उठाने का दबाव बनाया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को आबकारी विभाग अजमेर के सीआई गुरुनाम सिंह ब्यावर पहुंचे थे। इस दौरान वे अजमेरी गेट स्थित राजेंद्र टाक के ठेके पर पहुंचे और चांगेर क्षेत्र में पड़त रही एक दुकान को और उठाने का दबाव बनाया। इस दौरान सीआई सिंह ने शराब का स्टॉक सहित अन्य जांचें करते हुए ठेकेदार राजेंद्र टाक को हर हालत में चांगेर क्षेत्र की दुकान उठाने का दबाव बनाया। साथ ही ऐसा नहीं करने पर उसकी शराब की दुकान को निरस्त करने की धमकी दी। इस दौरान ठेकेदार टाक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने दुकान का शटर नीचे कर दिया तथा दुकान के सेल्समैन को दुकान से उठा कर ले जाने लगे। इस दौरान काफी भीड़ एकत्रित हो गई। साथ ही जानकारी पर मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंचे तो सीआई सिंह वहां से गाड़ी लेकर चले गए। जानकारी मिली है कि यहां से जाने के बाद सीआई गुरुनाम सिंह ने अजमेर रोड स्थित एक शराब की दुकान के सेल्समैन कौशल उपाध्याय पर भी इसी प्रकार का दबाव बनाकर उसके मालिक को चांगेर क्षेत्र में एक पड़त पड़ी दुकानों को उठाने की धमकी दी। सिंह ने सेल्समैन को दुकान उठाने के लिए मालिक से करीब 1.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। इस संदर्भ में पीड़ित शराब ठेकेदार राजेंद्र टाक ने बताया कि आबकारी सीआई गुरुनाम सिंह ने चांगेर क्षेत्र में पड़त रही दुकान को उठाने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही दुकान नहीं उठाने के अभाव में दुकान को सीज करने तथा लाइसेंस निरस्त करने की धमकियां दी। संदर्भ में सीआई सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, वे तो शराब की दुकानों की नियमित जांच के लिए पहुंचे थे और दुकानों की जांच कर रहे हैं। लाइसेंस शुदा दुकान है सीमा देवी टाक के नाम से, उसका मैं अजमेर हूँ, दुकान का मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। आज क्या सर, दुकानें काफ़ी समय से ब्यावर की उठ नहीं रही है तो उन्होंने मेरे को कहा भाई दुकान उठाओ। मैंने कहा साहब दुकानें बहुत महंगी है, हम उठा नहीं पाएंगे और आप तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती के दुकान उठाओ नहीं तो आपकी दुकान निरस्त कर दूंगा, आपका माल ये है फलाना है। तो हमने कहा साहब हमारी दुकान रिन्यू हुई है और रिन्यू में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है स्टॉक का, स्टॉक देने का, तो भी हमने ट्रांसफ़र फीस के पैसे जो भी थे हमने जो था उसका ट्रांसफ़र फीस हमने जमा कराई है। गुरुनाम सिंह जी ने बराबर प्रत्योग लगा के एक दुकान अगर उठाता तो ठीक है, नहीं उठाता तो मैं दुकान को निरस्त कर दूंगा और मैं 1954 में तेरा मुकदमा दर्ज करूंगा। मैंने कहा साहब आपके पास मैं चाबी दे रहा हूं, आप दुकान सीज कीजिए, मैं दुकान चलाने में असमर्थ हूं और मैं दुकान नहीं ले पाऊंगा। आगे मेरी दुकान रिन्यू कराई है उसमें भी मेरे पैसे डूब रहे हैं तो मैं इस दुकान को संभालना भी मेरे लिए बहुत ही भारी है। ये क्या दबाव बढ़ा के दुकान उठाता है तो ठीक, नहीं उठा तो मैं तेरे ये कर लूँगा। मैंने कहा साहब दुकान की चाबी आपके पास है, मैं दुकान सीज क्यों कर रहा हूँ, चाबी ले जाओ आप और चलाओ और मैं मेरे को फ्री करो, बस ये बात है। कौन थे सर अफसर? गुरुनाम सिंह सीआई है जो अभी आज ही आया है और उसको दुकान के लिए स्पेशली मेरे लिए भेजा है कि उसको दबाव बना के इसको दुकान देनी है। तो आज क्या करके गए हो? आज उन्होंने पूरा स्टॉक वगैरह चेक किया तो उन्होंने कहा भैया ये माल, मैंने कहा साहब गवर्नमेंट की गारंटी इतनी थी तो माल तो एक साथ में भी उठाना पड़ता है और स्टॉक तो दुकान रिन्यू है तो स्टॉक तो रहना ही रहना है, तो स्टॉक में हमारा स्टॉक बिल्कुल आप चेक कीजिए आराम से और स्टॉक को आप तसली से देख लिए, कोई ब्रांड अगर आपको लगती है ये गलत है तो आप हमें बात कीजिए। गवर्नमेंट का माल है, हम RSBCL से माल लेके आते हैं और बेचते हैं,